नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बीते दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश आफत बनकर गिर रही थी। मार्गों में मलबा आने, भूस्खलन आदि से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बीती रात भी सीमांत तहसील धारचूला में भारी बारिश व नेपाल के लास्को गधेरे में बादल फटने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बादल फटने व मलबा तथा बोल्डर आने से काली नदी का प्रवाह रुक गया और झील बन गई, जिससे दर्जनों मकान जलमग्न हो गए। बीते दिनों भी एलदारा में भूस्खलन व बोल्डर आने से मकान ध्वस्त और क्षतिग्रस्त हुए थे। बीती रात कई घरों में मलबा पसर गया और सड़क में खड़े वाहन मलबे में दब गए। जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, NDRF, SDRF, फायर यूनिट, स्थानीय लोग भी राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस घटना में अभी तक मिली सूचना से एक महिला पशुपति देवी पत्नी मान बहादुर निवासी खोतिला की मौत होने की सूचना है। काली नदी का जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल झूला पुल के निकट गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ जानवरों के बहने की संभावनाएं भी जताई गई है। रेस्क्यू टीमों द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धारचूला पहुंचकर प्रभावितों के उपचार में जुट गई। बीती रात आए मलबे से कई वाहनों का मलबे में दबने से पता नहीं चल पाया है। घरों में मलबा पसर गया है। धारचूला मल्ली बाजार में भी मलबा व पानी पसरने से लोगों को खासा नुकसान हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर बीती रात लास्को गधेरे में बादल फटने से धारचूला के खोतिला गाँव को खासा नुकसान हुआ है। नुकसान की जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।